अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू जीम हेल्थ टिप्स। नाज़रीन, आज की इस वीडियो का उन्वान इस वक्त आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। इसमें मैं आपको एक ऐसा लाजवाब और ऐसा कीमती राज नुस्खे की शक्ल में आज आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, खास उन अफराद के लिए जो कि मोहब्बत की जंग जीतना चाहते हों, मुबाशरत में औरत को शिकस्त देना चाहते हों। इस नुस्खा की खास बात यह है कि इससे मर्द को तो लज्जत आती ही आती है, लेकिन मज़ा तब है हम बिस्तरी में औरत का हक भी अदा हो। यानी कि खुले लफ्ज़ों में कहा जाए, अगर सिर्फ मर्द हम बिस्तरी के लिए जाए, हम बिस्तरी करे और अपना जो लुत्फ है वो लेकर साइड हो जाए, तो उससे औरत की जो डिमांड है, जो औरत की लज्जत है, जो औरत को लुत्फ चाहिए, वो नहीं अगर वो मिल पाता तो ये एक किस्म की हक तलफी है। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आज मैं खूबसूरत नुस्खा आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। नहायत ही सस्ता है और इसमें जो अज्जा इस्तेमाल हुए हैं वो भी सस्ते ही हैं, इतने महंगे नहीं हैं, हर आदमी इसको ख़रीद सकता है। और औरत को हम बिस्तरी में मज़ा देने वाला, लुत्फ देने वाला नुस्खा आज मैं आपकी खिदमत पेश करने जा रहा हूँ। चूँकि इसमें जो नुस्खा मैं बताऊँगा उसको आप तैयार, जिस तरीके से मैं बताऊँगा उस तरीके से तैयार करें और इस्तेमाल करें। और औरत उस मर्द के अलावा किसी दूसरे मर्द का तसव्वुर भी नहीं कर सकती जिसने ये नुस्खा इस्तेमाल किया। पहली ही हम बिस्तरी में औरत उस मर्द की दीवानी हो जाएगी, उस मर्द के अलावा किसी मर्द का तसव्वुर वो कर ही नहीं सकती। क्योंकि इसमें नुस्खा में ऐसा खुफिया राज और ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं जो जिससे औरत को खूब जो है वो खत आता है, खत से मुराद लज्जत, मज़ा, लुत्फ आता है। तो जितने भी देखने और सुनने वाले मेरे व्यूवर्स हैं उनसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल वॉच करें ताकि उनको हर चीज़ जो है वो क्लियर हो जाए। तो सिर्फ तीन चीज़ें इस नुस्खा में इस्तेमाल की गई हैं जो कि नहायत ही मुलज़्ज़ अज़ा है। आम ज़्यादातर इसमें से दो चीज़ें जो ऐसी हैं जो घर घर में मौजूद होती हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहली चीज़ जो है वो है मलट्ठी। मलट्ठी हर पंसार स्टोर से, हर जगह से आपको मिल जाएगी। दूसरी चीज़ है शहद, छोटी बड़ी मक्की का कोई भी शहद ले लें, होना शहद चाहिए, खालिस होना चाहिए, शीरा नहीं होना चाहिए। और तीसरी चीज़ है सुहागा, ये आपको हर जगह से, हर पंसार से मिल जाएगा। तो उसके बाद नाज़रीन, आपने इसको तैयार किस तरीके से करना है, आपने तमाम तीनों चीज़ों को हम वजन ले लें। हम वजन लेने के बाद पीस कर दोनों अज्जा को, मलट्ठी और सुहागा को पीस लें। उसके बाद उसमें शहद मिलाकर पेस्ट बना लें, गाढ़ा पेस्ट बनेगा। पेस्ट बनाने के बाद आपने उसको अपने नफ्स पे लगाना है और औरत से हम बिस्तरी करनी है। हम बिस्तरी से आपने एक दो मिनट पहले आप ये तैयार करके अपने पास महफूज कर लें, बस लगाएं और दखूल करें और देखें फिर करिश्मा और फिर मुझे वीडियो के नीचे। मैं अभी कुछ भी नहीं बताऊंगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, आप मुझे खुद ही बताएंगे कि मैंने जिसने नुस्खा इस्तेमाल किया वो खुद ही बोलेगा। जिस मुल्क में भी, जिस इलाके में भी मौजूद हुआ वहाँ से मुझे आवाज़ आएगी इस कमेंट बॉक्स में कि जनाब ये हुआ, और फिर मुझे बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो, आज का नुस्खा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। शेयर लाजमी करें, लाइक करें ना करें आपकी अपनी मर्जी है। दूसरा काम, चैनल जरूर सब्सक्राइब